स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल नॉलेज का हब आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी तो अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो क्वेश्चन बहुत कॉमन था मेरे कॉमेंट में वो ये था कि मैम ये जो आप जिस बुक से रिविजन कराती हो ये बुक मेरे को कहाँ से मिलेगी ठीक है तो स्टूडेंट्स आप देख लो ये है इस बुक का फ्रंट पेज ठीक है कानपुर यूनिवर्सिटी इजी नोट्स आपके जो भी ईयर है उस न्यू एडिशन के बेसिस पे आपको मिल जाएगी ये आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है मतलब आप किसी भी स्टॉल पे चले जाओ वहाँ पे अगर जहाँ पे बुक्स मिलती है आपको इजीली मिल जाएगा और अगर नहीं है तो आप एक बार ही ऑनलाइन चेक कर देना मैं भी चेक कर लूँगी अगर मेरे को लिंक मिला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आप उधर से परचेज़ कर लेना ठीक तो, है तो लेट्स बिगिन सेशन मैंने फोर्थ चैप्टर जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है इसके फोर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करें आज हम फिफ्थ चैप्टर चैप्टर से कंटिन्यू करने वाले हैं ओके सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन आ सेशन फिफ्थ चैप्टर है हमारा इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल नंबर वन नेम द टर्म वर्क ऑफ वन क्लर्क इज चेक बाय अनदर देयर बाय रिजल्टिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज आंसर क्या है हमारा इंटरनल चेक नंबर टू नेम द टर्म विच डिफाइन्स इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड क्या है हमारा इंटरनल ऑडिट नंबर थ्री क्वेश्चनर प्रिपेयर बाय द ऑडिटर टू चेक द एक्यूरेसी और अदरवाइज ऑफ वेरियस कंट्रोल प्रिवलेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड उसको हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर आई सी क्यू डैश एंड डैश फॉर्म द पार्ट्स ऑफ़ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के इंटरनल कंट्रोल बनाती हैं हमारा है इंटरनल एंड ऑडिटिंग कंट्रोल ठीक है अकाउंटिंग कंट्रोल सॉरी नंबर फाइव हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नंबर सिक्स अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल विथ सेफ गार्ड द एसे रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड Check whether the transactions are executed in accordance with the management guidelines and authorization is called accounting control. Number seven. Employees remuneration fall under which of the following system of control? Internal control. Number eight. Number eight here. Okay. Physically handling of goods and maintenance of account should be done separately. Are the two basic principles of internal control number nine system of control which is based on the principle of division of labor is called internal check number ten internal check is done by the staff of management itself whereas internal audit is done by separate staff. Okay number eleven sap, general financial control cash control implies remuneration trading transactions stock maintenance. फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉल अंडर दोलर द कंट्रोल कंट्रोल नंबर ट्वेल्थ मोर अकर प्रैक्टिस इन डैश दैन इन डैश बिकॉज वर्क इज डन बाय द वेरियस पीपल एट डिफरेंट लेवल इंटरनल चेक एंड इंटरनल इलेवन नंबर है हमारा इंटरनल ऑडिट मीज

number c checklist control a set of questions the answer of which provide the valuable information about the internal control system once a be all of the above number 16 the auditor may prepare the standard questionnaire to use in audit work number b the flowchart is graphically presented of each part of internal control system number c देर इज़ नो स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच कैन अप्लाई आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द ठीक है नंबर सेवेंटीन है हमारा इंटरनल चेक सिस्टम इज टैश द एर ऑफ फ्रॉड एंड क्या करता है हमारे फ्रॉड को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है इट्स मिनिमाइज द फ्रॉड ठीक है नंबर एटीन अंडर द इंटरनल चेक सिस्टम बोथ अकाउंटिंग एंड इट्स एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड टूगेदर ठीक है नंबर नाइनटीन द मेरिट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम टू कंपनी इज नॉट टू डू डबल वर्क डबल वर्क नहीं कर सकते आप नंबर ट्वेंटी इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ठीक है सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में मैं ट्वेंटी क्वेश्चन से डिस्कस करती हूँ और इसकी पी डी एफ आपको डिफ जो भी आपका डिस्क्रिप्शन ऑप्शन होता है ना उदो प्रोवाइड कर दूंगी थैंक्स फॉर वाचिंग टू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट स्टे टून बाय बाय